कह रहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसका डी जो है 90 डिग्री का है, डी 90 डिग्री का है, एक वृत्त है ना, एक सर्कल है जिसका केंद्र है ओ और त्रिज्या है आर, केंद्र है ओ और त्रिज्या है आर, जिनकी भुजाएं ए है ना, इसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए, किसकी भुजाएं, तो इस चतुर्भुज की ए बी बी सी सी डी और ए डी भुजा, डी ए भुजा पर इसमें क्या है, तो पी क्यू आर एस स्पर्श करती हैं, यहाँ पे ये जो वृत्त है पी पे क्यू पे आर पे और एस पे स्पर्श करती हैं। क्वेश्चन में दिया है बी सी बराबर 38 सेंटीमीटर, बी सी क्या है आपका, ये है ना 38 सेंटीमीटर टोटल। फिर उसके बाद सी डी बराबर 25, सी डी कहाँ है, यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। आगे क्या कर रहा है कि बी पी बराबर 27, बी पी बराबर 27, ये वाला आपका 27 सेंटीमीटर, हमें इसमें क्या करना है, तो इसके त्रिज्या का मान निकालना, आर का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, तो अगर बात करें अभी जो प्रमेय देखे थे उस प्रमेय से इसमें भी लिख सकते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी अगर हम बात करें, लिखें यहाँ पे बी पी बराबर बी क्यू है ना, और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि सी क्यू बराबर सी आर। देखिए इसमें दो ही का यूज होगा, ये दोनों बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से बी क्यू बराबर आ जाएगा 27 ना, बी क्यू बराबर हो जाएगा 27, क्योंकि ये 27 है तो ये भी 27 हो जाएगा, क्लियर है, ये 27 है तो ये भी 27 ही हो जाएगा। तो अब उसी तरह अगर हम सी क्यू निकालना चाहेंगे तो इस बी सी में से घटाना होगा ना बी क्यू को, इस पूरे बी सी में से बी क्यू घटा देंगे तो सी क्यू निकल जाएगा, यानी क्या करना होगा, तो 38 में से किसको घटा देना होगा, 27 को, यानी यहाँ से आ जाएगा 11 सेंटीमीटर सी क्यू। अच्छा सी क्यू जो है, सी क्यू जो है सी आर के बराबर है ना, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि सी आर बराबर 11 सेंटीमीटर। जब सी आर पता चल गया तो अगर हम आपसे कहें कि आर डी निकालिए, आर डी का मान या डी आर का मान, ठीक है, तो इस आर डी का मान क्या हो जाएगा, तो इस आर डी का मान क्या होगा, तो टोटल में से यानी इस सी डी में से घटा देंगे किसको, सी डी में से घटा देना होगा आपको सी आर को, यानी कि सी डी कितना है आपका 25, और 25 में से सी आर कितना है, तो है ये आपका 11, घटाएंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, अब हम लोग इस फिगर में जो देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ फिगर में ये तो आपका यहाँ से 14 निकल गया, तो यहाँ देख रहे हैं आपको एक प्रमेय पता है कि वृत्त के केंद्र से खींची गई, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर है ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, ऐसे लिखते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। चलिए लंब होती है, यहाँ से क्लियर हुआ कि ये लंब, यानी कि ये भी लंब हो जाएगा और ये भी लंब हो जाएगा, यानी कि ओ एस लंब हो जाएगा ना ए डी पर, और दूसरा ओ आर जो है लंब हो जाएगा सी डी पर, ठीक है। यानी कि एंगल ओ एस डी बराबर एंगल एस डी आर बराबर एंगल ओ आर डी बराबर, ये भी 90 ही होगा क्योंकि तीन कोण नहीं रहते, ये भी 90 ही होना है, एंगल एस ओ आर, चारों क्या हो जाएंगे 90 90 हो जाएंगे, तो ये जो 90 90 हो गए, और यहाँ आपको पता है कि ओ एस बराबर ओ आर होगा, समान त्रिज्या है ना, और ये भी लिख सकते हैं ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वही ना, और ये भी जानते हैं कि ये जो है क्या नाम है, तो डी एस बराबर होगा ना डी आर के या आर डी के, ठीक है। तो चलिए डी एस बराबर डी आर भी हो गया,
देख रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और प्रत्येक कोण 90। इसलिए आप लिख सकते हैं कि एस ओ आर डी एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, इसलिए आर बराबर 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।